नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष नैनीवाल, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय चौमहला। यह वीडियो स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के लिए और आज का प्रकरण पृथ्वीराज रासो, जिसके रचनाकार हैं महाकवि चंद वरदाई। वीरगाथा काल के कवियों में कवि चंद वरदाई का श्रेष्ठ स्थान है। वे महाराजा पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और मित्र थे और महाराजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन की प्रमुख घटनाओं के आधार पर पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना कवि चंद द्वारा की गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और कवि चंद यानि चंद वरदाई प्रथम महाकवि। पृथ्वीराज रासो में महाराज पृथ्वीराज चौहान की वीरता का विस्तार से वर्णन किया गया है। हिंदी के महाकाव्यों में यह महाकाव्य सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो लगभग 2500 पृष्ठों में है। इसमें 69 अध्याय या सर्ग हैं, जिन्हें समय नाम से अभिहित किया गया है और हमारे पाठ्यक्रम में यानि BA प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ का पद्मावती समय नामक सर्ग या अध्याय लिया गया है। पद्मावती समय नामक अध्याय में इस ग्रंथ की नायिका रानी पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। साथ ही पद्मावती और राजा पृथ्वीराज चौहान के विवाह का वर्णन भी इस समय या इस सर्ग में किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ्यक्रम में लिए गए पद्मावती समय के छंदों की व्याख्या हम शुरू करते हैं। सबसे पहला छंद है मनहू कला शशिभान कला 1600 बन्नीय बाल बेश शशिता समीप अमृत रस पिन्नीय बिगसी कमल श्रृग भ्रमर बेनु संजन मृग लुट्टिये हीर कीर अरुबिंब मोती नश शीश अहि गुट्टिये छपति गयंद हरिहंस गति बिह बनाए संचे संचिये पद्मिनीय रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रची। यह छंद या यह पद्यांश महाकवि आदिकाल के प्रथम महाकवि चंद वरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य के पद्मावती समय से लिया गया है। इसमें कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का नक्षिक वर्णन किया है। कवि कह रहा है मनहू कला शशिभान, शशिभान का अर्थ है चंद्रमा, मनहू यानी माना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। कवि चंद पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि पद्मावती ऐसी सुंदर हैं कि मानो मनहू मानो कला शशिभान, चंद्रमा की कला हो। पद्मावती ऐसी सुंदर हैं कि मानो वह चंद्रमा की कला ही हो। कला 1600 बन्नीए,
चंद्रमा की 16 कलाओं द्वारा वह निर्मित की गई हो ऐसा लगता है। मनहू आया है यानी मानो वह ऐसी सुंदर हैं, पद्मावती इतनी सुंदर हैं मानो वह चंद्रमा की 16 कलाओं से बनी हुई हो। बाल बेस, अभी पद्मावती की अवस्था बाल्यावस्था है, बाल बेस बाल्यकाल उसकी अवस्था है। और ससीता समीप अमृत रस पिन्नी, ससी यानी चंद्रमा, चंद्रमा उसके पास आकर अमृत रस का पान करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि चंद्रमा में जो अमृत रस हैं वह रस भी मानो चंद्रमा ने पद्मावती के रूप से ही प्राप्त किया हो। तो पद्मावती इतनी सुंदर हैं कि चंद्रमा का जो अमृत तत्व है, चंद्रमा का जो शीतलता है, चंद्रमा में जो अमृत बरसता है वह चंद्रमा ने पद्मावती से ही प्राप्त किया हो। बिगसी कमल श्रृग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टी। अब उसके उस पद्मावती के विभिन्न अंगों की सुंदरता का वर्णन कवि विभिन्न उपमान के माध्यम से कर रहा है। उसके विभिन्न अंग हैं मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि का जो सौंदर्य है वह कमल, भ्रमर, खंजन पक्षी, मृग आदि से उनकी तुलना की गई है। यानी पद्मावती के विभिन्न अंगों की तुलना सौंदर्य के जो प्रसिद्ध उपमान हैं उनसे की गई है। बिगसी कमल विकसित कमल के समान उसके उसका मुख है या उसकी आंखें हैं या हाथ पैर जो भी हो सकते हैं वो विकसित कमल के समान हैं। श्रृग भ्रमर और भ्रमर की जो श्रेणी है, श्रृग यानी श्रेणी पंक्ति, भ्रमर की पंक्ति की जो श्यामता है, जो उनका कालापन है वह उसकी केशों की श्यामता के समान है। यानी पद्मावती के केश की जो कालिमा है वह भ्रमर की पंक्ति के समान है। और वेणु, वेणु का अर्थ हो गया उसके मधुर वचन। पद्मावती जब बोलती हैं तो उसके इतने मधुर वचन हैं कि उनसे वेणु की तरह मधुर संगीत निकलता है। वेणु है ना वंशी, वंशी के समान उसका उसके मधुर स्वर हैं। और उसके नेत्र खंजन पक्षी के समान हैं, संजन यानी खंजन पक्षी के समान उसके नेत्रों की चपलता है। और मृग लुट्टी, मृग यानी हिरण, हिरण के नेत्रों के समान उसके नेत्र हैं। और लुट्टी का मतलब ये जो उपमान हैं खंजन, मृग, भ्रमर, ये सब भी पद्मावती के सौंदर्य के आगे फीके पड़ जाते हैं, ये भी लुट जाते हैं। यानी पद्मावती के का सौंदर्य इन सब उपमानों के सौंदर्य से भी कहीं अधिक बढ़कर हैं। हीर कीर और बिंब मोती नस शिश अही घुट्टी, हीर अर्थात हीरे के समान, कीर यानी तोता, अरु यानी और, बिंब यानी बिंबा फल, दाड़िम का जो फल है वह, तो इनके समान उसके विभिन्न अंग हैं। हीर यानी हीरे के समान पद्मावती की दंतावली है, कीर यानी तोते के समान उसकी नासिका है, और बिंब यानी बिंबा फल के समान उसके अधर हैं। और मोती नस, मोती की चमक की तरह उस चमकदार उसके नाखून हैं। शीश अही गुट्टिये यानी उसकी नख शिख का जो सौंदर्य अपूर्व हैं, जो सौंदर्य के लिए जो प्रसिद्ध उपमान हैं वे भी पद्मावती के रूप सौंदर्य के आगे फीके पड़ जाते हैं, फीके लगते हैं। आगे हैं
यहाँ अही घुटिए में अही का अर्थ सांप भी हो सकता है, तो उसकी जो केसों का जो विन्यास है वह सांप या सर्प की तरह वक्रता लिए हुए हैं, ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अही घुटिए, सर्प के समान वक्रता लिए हुए उसके केश विन्यास हैं, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। या फिर अही गुटिये मतलब घुले मिले हुए हैं, यानी उसकी जो रूप विभिन्न अंग प्रत्यंग का सौंदर्य है, वह सौंदर्य के जो विभिन्न उपमान इसमें दिए गए हैं, हीर कीर बिंब मोती, ये सारे जो प्रसिद्ध उपमान हैं ये ऐसे लगते हैं उसके अंग प्रत्यंग में जड़े हुए हैं, या इनका सौंदर्य पद्मावती के सौंदर्य से एकाकार हैं, मेल खाते हैं या एक जैसे लगते हैं, इस प्रकार से भी हो सकता है। आगे हैं छपति गयंद हरिहंस गति। अब पद्मावती की जो गति हैं, चाल हैं, वह गयंद मदमस्त हाथी के समान, हरि हरि यानि सिंह के समान, हंस यानि हंस के समान, उसकी जो गति हैं वह गयंद यानि मदमस्त हाथी, सिंह और हंस की गति को भी छपति यानि छिपा देते हैं, यानि उसकी गति के आगे हाथी सिंह और हंस की गति भी छिप जाती हैं, या ये भी उसके आगे लज्जित हो जाते हैं, उसकी चाल इतनी सुंदर है। आगे बिह बिह यानि विधाता ने बनाए संचे संचीव, ऐसा लगता है मानो विधाता ने उसे सांचे में ढालकर बनाया हो, या पद्मावती के अंग प्रत्यंग का सौंदर्य इतना उत्कर्ष वाला है कि ऐसा लगता है उसके अंगों को विधाता ने किसी सांचे में ढालकर बनाया हो। पद्मिनी रूप पद्मावती, पद्मावती का रूप पद्मिनी के समान है, जो नारियों में सबसे श्रेष्ठ नारी मानी जाती हैं पद्मिनी नारी, उसके समान पद्मावती का रूप सौंदर्य है। मनहु मानो काम कामिनी रचिए, मानो विधाता ने कामदेव की पत्नी, काम कामिनी यानी कामदेव की पत्नी जो रति है, उसी का दूसरा रूप पद्मावती में निर्मित कर दिया हो, ऐसा लगता है। मनहु काम कामिनी रचिए, ऐसा लगता है कि मानो विधाता ने उस पद्मावती के रूप में कामदेव की पत्नी रति का ही दूसरा रूप निर्मित कर दिया हो, वह रति के समान अनिंद्य सुंदरी हैं। इस प्रकार इस पद्य में जो 56 छंद हैं, और 56 छंद सबसे अधिक चंदवरदाय ने प्योग किया है पृथ्वीराज रासों में, इसमें कवि ने पद्मावती के रूप सौंदर्य का और उसके अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन किया है, उसके लिए विभिन्न उपमानों का सहारा लिया है, और सुंदरता में जो उपमान प्रसिद्ध हैं उनको भी पद्मावती के सौंदर्य के आगे लज्जित कर दिया है। इस प्रकार से इसमें पद्मावती का जो रूप सौंदर्य का वर्णन है वह अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बहुत ही बड़ा चढ़ाकर किया गया है। इसमें पद्मावती को पद्मिनी नारी के समान बताया गया है, और पद्मिनी नारी जो नारियों की चार श्रेणियां बताई गई हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ रूप माना गया है पद्मिनी नामक नारी का। पद्मिनी नारी को पद्मगंधा भी कहा जाता है, क्योंकि उसके शरीर से कमलों की गंध फैलती रहती है। इस प्रकार से पद्मिनी नारी जो हैं वह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, और इस पद्य में पद्मावती को पद्मिनी नारी के समान बताया गया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार मनहु का प्रयोग हुआ है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है, और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। छंद 56 हैं, क्योंकि प्रथम चार चरण रोला के हैं और अंतिम दो चरण उल्लाला के हैं।
साथ ही इसकी जो भाषा है वह आदिकालीन अपभ्रंश से प्रभावित हैं, राजस्थानी भाषा है। शैली इसकी पिंगल है और ब्रज भाषा का मिश्रण है, यानि प्राचीन जो हिंदी है, आदिकाल की जो प्रारंभिक हिंदी थी जो अपभ्रंश से प्रभावित है, राजस्थानी का पुट है, ब्रज भाषा का मिश्रण है, पिंगल शैली है, ये सारी विशेषताएं भाषा के रूप में इसमें विद्यमान है। अब इससे आगे का छंद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।